आपने सबसे पहली गलती ये की कि दराज के ऊपर जाने के बाद आप लोगों की जो पहली गलती थी वो आप लोगों ने ये की कि आप लोगों ने छोटी से छोटी प्रोडक्ट को ढूंढना शुरू कर दिया। मैंने उस दिन बड़े क्लैरिफाई बताया था कि रूल्स याद रखो, सिग्मा रूल से कह लो। सिग्मा रूल पहला वन है, द हंटिंग रूल वन है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो 300 के रेंज से ज्यादा होनी चाहिए। मेजोरिटी प्रोडक्ट जो मुझे मिल रही थी वो कम से कम 300 के, बहुत से बच्चों ने 300 से छोटी प्रोडक्ट्स भी दी हुई थी। और दूसरी जो ये तो चलो मतलब 10 बंदों में से कोई एक आधे बंदे ने ऐसी ऐसी हरकत की होगी। एक मुझे बहुत ज्यादा ये गलती कॉमन देखने को मिली, आप लोगों ने जो प्रोडक्ट हंट की थी ना आपने उसके ना ग्लास की प्रोडक्ट ज्यादा रखी हुई थी, ग्लास की प्रोडक्ट्स ज्यादा थी। अब जैसे ग्लास की प्रोडक्ट्स में आ जा तो अभी यार इसकी बहुत सेल आ रही है इस चीज की। अभी ग्लास की प्रोडक्ट में मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा, ग्लास की प्रोडक्ट जो है ये देखो, ये अब ये एक बच्चे ने हंट की भी हुई है ये वाली प्रोडक्ट, ठीक है। अब वो आप में से बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने हंट किए सेम प्रोडक्ट्स। ये जो फैन देख रहे हो ना, ये फैन इसकी बेतहाशा सेल है, बेतहाशा सेल है ऑनलाइन मार्केट में। ये फैन की है, हमने इसे बहुत सेल किया, बहुत सेल किया। ये ऐसे पैकेट में खुल के मिल जाता है लेकिन इसकी बहुत सेल है। अब बच्चों ने ये प्रोडक्ट हंट की थी, मुझे मिली है, मेरे पास शीट्स है। अब मैं एक एक बच्चे को बताना शुरू करूँ कि गलतियां, तो वो टाइम हो जाएगा। मैंने फिर वो मेजोरिटी लिख के रखा हुआ अपने पास सिनेरियो, ठीक है। तो बच्चों ने सबसे मेजर जो गलती की थी वो ये की थी कि ग्लास की प्रोडक्ट्स मुझे ज्यादा मिल रही थी। मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, आपकी जो प्रोडक्ट है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होनी चाहिए, वो ग्लास की प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। आप कस्टमर, आप देखो, आप हमेशा जब भी प्रोडक्ट हंट करो ना, आप देखो, आप ये सोचे किया करो कि मैंने ये प्रोडक्ट सर हमजा को बेचनी है, कि मैंने उन्हें बेचनी है। फिर माइंड में मैं हूं, आप छोड़ दो फिलहाल ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है, शॉपिफाई को पीछे रखो। आप ये सोचो कि मैंने ये जो प्रोडक्ट है ना मैंने सर हमजा को बेचनी है। हाँ, अब मैं अगर ये प्रोडक्ट सर हमजा को बेच, सर हमजा ने मुझे कहा था कि यार 300 से 1200 के दरमियान कोई भी प्रोडक्ट हो, पहला क्राइटेरिया हो गया। दूसरी बात, सर हमजा ने ये कही थी कि यार ये जो प्रोडक्ट है ना ये ट्रांसपेरेंट ना हो या ये ग्लास की ना हो, यार अगर मैं ये प्रोडक्ट सर हमजा को बेचूंगा तो क्या ये प्रोडक्ट टूट जाएगी? फिर आपका दिमाग, इंसान को अल्लाह ताला ने इतना तो दिमाग दिया हुआ है ना, वो बता देगा कि ये प्रोडक्ट टूट जाएगी या नहीं टूटेगी। हाँ यार ये तो रस्ते में टूट जाएगी, ये नहीं बेचनी, ये प्रोडक्ट फेल है। फिर दूसरी प्रोडक्ट देखो, दूसरी प्रोडक्ट में देखो कि अब घड़ी, अगर घड़ी कवर के साथ है, पैकेट में है, तो आप बेच सकते हो, जो चीज कवर है उसको सेल कर सकते हो। लेकिन जो बड़ी चीज है, अब देखो इसको, ये कवर हो गई लेकिन इसका कवर बिल्कुल माइनर सा होगा, तो ये मे भी टूट जाए। अब घड़ी का एक बॉक्स होता है, हार्ड बॉक्स होता है, हार्ड शीट होती है, तो उसके अंदर इतना चांसेस नहीं होते। उसके बाद आप देखो, अब ये इसकी बड़ी सेल है माशाल्लाह इस प्रोडक्ट की। आप देखो इसके ऊपर रिव्यूज, आपको पता है मैंने तो आपको शकील का बताया होगा ना, आप लोगों को उसका आइडिया होगा। दराज के ऊपर, दराज के ऊपर अगर आपने दराज का टॉप सेलर बनना है, ये मैं शॉपिफाई से हट के बात बता रहा हूँ, तो तब भी ये जो आज हम हंटिंग करेंगे ना यही करो, आप दराज के टॉप सेलर बन जाओगे। आप में से जो बच्चे दराज का काम कर रहे हैं ना, तो जो अगर वो चाहते हैं कि वो दराज के टॉप सेलर बने, तो मैं आपको जो आज हंट का तरीका बताऊंगा ना वो क्या। अब देखो ये जो, इसको आप ओपन कर लो, ये प्रोडक्ट को मैंने न्यू टैब में ओपन कर लिया, यही प्रोडक्ट आ रही है ना आप लोगों के सामने, देखो इसी प्रोडक्ट को मैंने न्यू टैब में ओपन कर लिया। अच्छा मैं पहले ये पूछ लूँ कि स्क्रीन शेयर हो रही है सब बच्चों को, 113 बच्चे हैं, सब स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब दराज का जो, अब देखो दरा, अगर आपने, मैंने आपको पहले दिन एक रूल बताया था ऑनलाइन बिजनेस का, एक बड़ा ही प्यारा रूल है कि अगर आपने अपने आप को ब्रांड बनाना है ना, तो जो ब्रांड पहले एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर आपने अपने आप को ब्रांड बनाना है तो जो ब्रांड पहले एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हें कॉपी करना शुरू कर दो। अब मैंने अगर दराज का टॉप सेलर बनना है ना और मैं आपकी जगह बैठा हूँ, तो मैं क्या सोचूंगा, मैं सबसे पहले ये सोचूंगा मैं आप लोगों को इस पेज पे लाऊंगा, मैं देखूंगा यार ये एक प्रोडक्ट है, एक टॉप सेलर, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, और इस प्रोडक्ट को मुझे लगा इसके अच्छे रिव्यूज आए, मैंने इसको ओपन लिया नेक्स्ट पे। अब मैं देखूंगा कि यार ये सेलर कितनी चीजें बेच रहा है, मैं शहबाज इलेक्ट्रॉनिक्स पर जाके देखूंगा ये बंदा कितनी चीजें बेच रहा है। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मेरे पास सेलर आ गया, ये सेलर जितनी चीजें बेच रहा होगा ना मेरे मेरे सामने, ये सारी की सारी दराज मुझे बता देगा कि यार ये जो सेलर आपने सिलेक्ट किया है, आप इसका देखना चाह रहे हैं ये कौन कौन सी चीजें बेच, और मेजोरिटी देखना ये चीजें अभी लोड नहीं हुआ, ये सारी ब्यूटी की प्रोडक्ट्स होगी, या ब्यूटी की प्रोडक्ट्स होंगी, मतलब हेयर रूटीन की होगी, केयर हेयर के रूटीन या फेस के रूटीन की प्रोडक्ट्स होंगे, ज्यादा से ज्यादा देख लेना, या ट्रिमर्स होंगे, या कोई ज्यादा इसकी प्रोडक्ट्स यही होंगी। एक दफा रीलोड हो जाए फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसकी मेजोरिटी जो प्रोडक्ट्स होंगे वो कौन सी होंगी। अभी देखो ये रीलोड हो गया, देखो इसकी जो मेजोरिटी प्रोडक्ट्स है ये देखो, फेस ये सॉरी ऑल प्रोडक्ट्स में आता हूँ, मेरा नेट नहीं आ रहा सही, दोबारा देख लेते हैं।
चलो आ जाओ, गुस्सा कर गए हो। देखो इसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स है, मैंने मैंने पहले बताया था, अभी मैंने रिलोड नहीं किया था, पर मैंने पहले ही बता दिया था कि इसकी जितनी भी प्रोडक्ट हेयर केयर रूटीन या स्किन केयर या डेली लाइफ रूटीन के रिलेटेड होंगे। देखो ये भी स्किन केयर रूटीन की प्रोडक्ट है, ये भी डेली लाइफ रूटीन की प्रोडक्ट है, डेली लाइफ रूटीन की प्रोडक्ट, ये भी डेली लाइफ रूटीन की प्रोडक्ट है। ट्रिमर की मैंने बात आप लोगों को पहले कही, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी देख लेना, ये भी उसकी प्रोडक्ट है। अब देखो दूसरा ट्रिमर भी उसी की प्रोडक्ट है। देखो जितनी प्रोडक्ट्स भी आप इसकी देखो, मैंने ये बात पहले आपको बताई कि इसकी सारी इसने देखो कोई ब्यूटी की प्रोडक्ट नहीं लगाई हुई, कोई एक प्रोडक्ट इसकी ब्यूटी की नहीं लगी। तो इसकी सारी की सारी प्रोडक्ट्स, यार मैं आपके आपके आंसर्स मैं बाद में लूंगा प्लीज, ठीक है? आप लोग अपने हैंड डाउन कर लो, एंड पे लूंगा। तो ये जो आपके ये इसने जितनी भी प्रोडक्ट्स लगाई है, देखो ये हेयर केयर रूटीन या स्किन केयर रूटीन या डेली लाइफ की प्रोडक्ट्स है, ठीक है? डेली लाइफ की प्रोडक्ट्स है। तो आपने अगर किसी बंदे को इसके मुकाबले में जाके बैठना है ना, तो आप इसकी सेलर स्कैनिंग करना शुरू कर दो, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, चौथा टॉपिक क्या होता है। अब हमारे फोर्थ टॉपिक का नाम था फोर्थ टॉपिक का हमारा नाम था हंटिंग फ्रॉम स्टोर्स, ठीक है? हमारा फोर्थ बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और उसके टॉपिक का नाम था हंटिंग फ्रॉम स्टोर। मैं एक मिनट स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि एक मेरा ना एक मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल खुली हुई है, तो मुझे वो करना है, हाइड कर, ठीक है? हमारे फोर्थ टॉपिक का नाम था हंटिंग फ्रॉम स्टोर्स। अब मैंने आपको बताया दराज और हंटिंग अली एक्सप्रेस का सेम क्राइटेरिया ये होता है, ये आप लोगों को समझ आ गया। अब हम आते हैं अपने चौथे टॉपिक की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। हंटिंग फ्रॉम स्टोर्स का मतलब ये होता है कि जो स्टोर्स, जो ब्रांड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो ब्रांड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, दुबई के अंदर, चाइना के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर, उन्होंने डेफिनेटली अगर वो स्टोर या वो ब्रांड एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उन्होंने प्रोडक्ट्स हंट करके लगाई होंगे ना। अगर मेरा कोई ब्रांड चल रहा है, मैंने आपको क्यों नहीं बताया, मैंने आपको सेल्स शेयर की, कभी भी अपने अपने ब्रांड का नाम नहीं शेयर किया आप लोगों के साथ। अब मैंने कोई चलाकी नहीं खेली, मैंने आपको सेल्स दिखाई, रिफ्रेश करके दिखाई, बच्चों की सेल दिखाई, रिफ्रेश करके दें, लेकिन मैंने आपको अपने स्टोर का नाम नहीं बताया, अपने ब्रांड का नाम नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत की, मैंने प्रोडक्ट हंट करके लगाई है। अगर आप लोग भी मेरी वो प्रोडक्ट लगाओगे तो यार आपको भी सेल आना शुरू हो जाएगी, मेरा कारोबार तो फिर बंद हो गया ना। मैं जहां 100 रुपए कमा रहा था, मैं तो 50% पे आ गया क्योंकि मेरे कॉम्पिटिटर में एक बंदा आगे बैठ गया। तो जो ब्रांड पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो वेबसाइट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं और वो चीजें बेच रही हैं, अगर वो उन्होंने ऑनलाइन मार्केट के अंदर अगर उनकी कंपेन्स रन हो रही हैं, मेक श्योर अगर कोई बंदा अपनी कंपेन रन करके, उसे कोई फायदा नहीं होता, कोई भी बंदा कंपेन रन नहीं करता। अगर एक प्रोडक्ट की कंपेन रन करने से किसी ब्रांड को कोई फायदा ना हो, उसको पैसे ना बचे, ऑब्वियसली बात है कोई भी बंदा आपको कंपेन रन करता ही नहीं। यहां तक बात समझ आ गई? मैंने कहा कि अगर एक बंदा एक प्रोडक्ट की कंपेन रन करे और उस कंपेन को रन करने के बाद उसको कोई फायदा ना हो, तो वो पागल तो नहीं है ना कि वो 1,000 रुपया या 2,000 रुपया या 3,000 रुपया डेली लगाए। कोई भी नहीं लगाता, ठीक है? अब वो नवाज शरीफ की औलाद में से तो है नहीं, तो कोई भी चीज ये बंदा नहीं लगाता। दूसरी बात, अब जिस बंदे ने अपने ब्रांड के ऊपर कोई प्रोडक्ट लिस्ट किया, उसकी कंपेन चल रही है, अगर वो बंदा दिन के अंदर यकीन करो कि 50,000 कमा रहा है, आप अगर उसकी प्रोडक्ट को अंदर आके कंपेटिटर बैठ जाते हो, 25 वो कमाएगा, 25 आप कमाओगे, मे भी 50 वो कमाएगा और 50 आप कमाओ, उसका उसकी भी सेल्स भी बढ़ जाए, आपकी सेल्स भी बढ़ जाए। कैसे प्रूव करते हैं इस चीज को, हम चलते हैं। आप लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम आते हैं फेसबुक एड लाइब्रेरी पे, ठीक है? आज मैं आप लोगों को बड़ा इंपॉर्टेंट टूल बताने लगा हूं। सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि यहाँ गूगल पे जाके लिखना है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, ठीक है? फेसबुक, मैं बड़ा स्लो लिख रहा हूँ, एड्स, ADS, एड्स लाइब्रेरी, ठीक है? मैं आज भी कह रहा हूँ, और मैंने ये पहले दिन भी कहा था कि जो बच्चा मेरा लेक्चर देने के बाद इसको दोबारा 2 से 3 दफा रिवाइज नहीं करता, भूल जाएगा वो बच्चा कि उसको ये चीज समझ आनी। बेशक मैं आपको 10 घंटे की क्लास करना, अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग, कितनी क्लासेस हो गई यार, कितना का टाइम लग जाएगा, 1 महीना लग जाएगा, कोई मसला नहीं यार, मैं आपको बार बार सुना के इरिटेट ही करूंगा ना, 1 महीना इरिटेट हो भी जाओगे तो कोई मसला नहीं यार, ठीक है? तो आप लोगों ने क्या करना है, गूगल पे आना है, वहां लिखना है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। ये टूल है फेसबुक का जो हमें बताता है कि पाकिस्तान के अंदर कौन से लोग कितना कारोबार कर रहे हैं। यकीन करो अगर ये टूल यहाँ एग्जिस्ट ना करे, ना मेरा कारोबार चल सके, ना आप लोगों का कारोबार चल सके,
तो आपने इसको एंटर कर दिया। जैसे ही आप इसको एंटर करोगे तो आपके सामने जो पहला टूल आ रहा है एड लाइब्रेरी का, आप लोगों ने सिंपली इसको ओपन कर देना। जब आप इसको ओपन करोगे, जैसे ही आप लोग इसको ओपन करोगे ना, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा, जो अभी तक आया नहीं है। रिलोड हो रहा है, नेट थोड़ा ज्यादा तेज, आज बारिश हुई है बाय द वे बहुत ज्यादा, तो इसलिए नेट थोड़ा डिस्टर्ब है। तो ये वाला पेज आ जाएगा। अब आप यहाँ गौर से मेरी बात सुननी है। अब आप पाकिस्तान में रहते हो, इंडिया में रहते हो, बांग्लादेश में रहते हो, नेपाल में रहते हो, स्विट्जरलैंड में रहते हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, मैं कह रहा हूँ दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो और उधर कारोबार करना चाहते हो। देखो मैंने आप लोगों को पहले शॉपमैक इंट्रोडक्शन लिया, थ्योरेटिकल क्लास, मैंने आप लोगों के सामने हंटिंग से कही थ्योरेटिकल, वो प्रैक्टिकल था लेकिन सम हाउ थ्योरेटिकल क्लास। अब हंटिंग का तीसरा मॉडल है, यहाँ से आपको फील हो रहा है कि प्रैक्टिकल चीजें शुरू हो रही हैं, आगे सोर्सिंग आ जाएगी वहां भी प्रैक्टिकल चीजें, फिर आगे तो सारा काम ही प्रैक्टिकल आ जाएगा ना, ठीक है। अब आप दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हो, आपने उधर बिजनेस करना है। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, अब मैंने यहाँ पाकिस्तान सेलेक्ट किया क्योंकि मैंने लोकल ई कॉमर्स आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं चार्जर लगा लूंगा, आई थिंक सो के जो उम्मीद है कि मेरा लैपटॉप सिग्नल लेते हैं, नहीं लेकर आज ना हो, सॉरी ब्रो, अच्छा तो मैं ही आप लोगों को कह रहा था कि आप लोग जब फेसबुक एड लाइब्रेरी ओपन करोगे, अब आप पाकिस्तान, दुनिया, जहां मर्जी अर्थ के अंदर कहीं भी रहते हो ना, और आप उधर बिजनेस करना चाहते हो, तो इस टूल के बगैर आप बिजनेस नहीं कर सकते। अब वो कैसे नहीं कर सकते, अच्छा मुझे एक दफा दोबारा मेक श्योर कर दो, मुझे ना ये बड़ी ज्यादा वो प्रॉब्लम रहती है, और मैं सबसे सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है सर, बहुत लैग कर रहा हूँ, ऊपर नीचे हो रहा है, वेरी गुड यार, आप कर रहे हो टीचर ला। ओके अब मैंने बताया आप लोगों को कि आप दुनिया के किसी भी अर्थ में रहते हो, ये बात याद रखो, दुनिया के किसी भी अर्थ में रहते हो, आप अर्थ में किसी भी जगह पे रहते हो, अर्थ में वो कोई भी कंट्री है, आपने उधर बिजनेस करना है, आप इस टूल के बगैर फारे को बिजनेस नहीं कर सकते। मेजोरिटी आपको मेंटोर्स ये कभी भी गाइड नहीं करते, इस वजह से आपका 90% चांसेस होते हैं कि बिजनेस में फेल होते हो। ये टूल ऐसा है, ये हमें बताता है कि वो बिजनेस कितना पैसा कमा रहा है, वो बिजनेस कैसा चल रहा है, वो प्रोडक्ट कैसी चल रही है, प्रोडक्ट हमें कैसे पता लगेगा कि हमने एक प्रोडक्ट हंट की और वो प्रोडक्ट कामयाब है या नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने एक प्रोडक्ट हंट की वो प्रोडक्ट कामयाब है या नहीं है, वो इधर से पता लगता है, ठीक है। अब हम एड लाइब्रेरी ओपन करेंगे, यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, अगर आप पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान सेलेक्ट करोगे, अगर यूएस में काम करना है तो यूएस में करोगे, या जहां से भी आपने काम करना है, ठीक है, आप वहां से करोगे। एड कैटेगरी के अंदर आपने जाके ऑल एड्स पे सिलेक्ट कर लेना, जैसे एड कैटेगरी पे आओगे तो आपने ऑल एड्स सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ आपने एक प्रोडक्ट, जो आपने कोई भी प्रोडक्ट, किसी स्टोर का नाम, किसी प्रोडक्ट का नाम, जो आपके दिल में आ रहा ना, आप लिख दो। जैसे एक प्रोडक्ट बहुत बेतहाशा बिक रही है, आप तो चैलेंज इस बात का, आप जाओ, आप उसको क्या कहते हैं, इनेबलर चले जाओ, एक्सट्रीम कॉमर्स चले जाओ, ब्रैकले चले जाओ, और जो आप लोगों के घर के आसपास इदारे हैं उनमें चले जाओ। अगर कोई बंदा आपको ये बात प्रोडक्ट्स बताए ना कि ये प्रोडक्ट चल रही है, इवन वो भी बेच रहे होंगे बेतहाशा, लेकिन वो कभी भी नहीं बताया। मैं ओपन कहता हूँ यार, मैं आपको बता रहा हूँ, आज अपने स्टोर पे प्रोडक्ट लगाओ ये ना बिके तो मुझे कहना, आपको सबको कह रहा हूँ। 100 कितने बच्चे हैं इस टाइम, 135 बच्चे हैं, ठीक है, आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आपने इधर आके सिंपल लिखो कि मुझे क्रिस्टल हेयर रिमूवर बेचना है, ये लेडीज की एक प्रोडक्ट है और ये बेतहाशा बिक रही है, मैंने लिखा क्रिस्टल हेयर रिमूवर। अब इधर आने के बाद जिस प्रोडक्ट की एड्स मोर देन 10 to 15 होंगी, 10 to 15 से ज्यादा, 10 से ज्यादा भी हो तो एक्सेप्टेबल है, 7 से लेके 15 से ज्यादा हो, 7 से लेके आपको सुन जितनी मर्जी हो, 7 से लेके 15 तक, सॉरी ये डाइवर्सिटी क्यों ओपन हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भी कहूँ डाइवर्सिटी, क्रिस्टल हेयर रिमूवर, क्रिस्टल हेयर रिमूवर, ठीक है। अब जिस प्रोडक्ट की एड 7 से लेके ज्यादा होगी ना, आपने चुप करके वो प्रोडक्ट अपने
स्टोर पे रन की होगी तो आपने उसकी एड चला देनी, ठीक है। मैंने ये कहा जिस प्रोडक्ट की एड 7 से ज्यादा होगी, हमें कैसे पता चलेगा कितनी, हमने एक प्रोडक्ट लिखी, हमें इसने बताया कि देखो इसकी 19 एड्स चल रही हैं इस टाइम। मैंने आपको क्राइटेरिया क्या बताया, जिस प्रोडक्ट की एड 7 से ज्यादा अप टू सोन 2 करोड़ तक उसकी एड्स क्यों नहीं चली जाती, चुप करके वो प्रोडक्ट बेचना शुरू करो, वो बिकेगी। इसमें मुश्किल क्या है, ये मैंने आपको अभी स्टोर हंटिंग नहीं बताई, आपको मैंने एक ट्रिक बता दी और मैं वो बता रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ, ठीक है, या तो मैं खुद ना करूं तो मैं आपसे बात करूं। दूसरी बात, अब इसकी 19 एड चल रही है, देखो ये वाला स्टोर भी एलिवो अजीब, एक तो पता नहीं नाम, पता नहीं क्या सोच के रखते हैं लोग, आई विश ये भी इसको बेच रहा है, ऑनलाइन बाजार इसको बेच रहा है। अभी देखो आपको पता है ये जो लिखा हुआ है ये सारा टैक्स, ये मैंने अपने हाथों से लिखा हुआ है टैक्स, ये सारा, तो ये सारे स्टोर्स मुझे कॉपी कर रहे हैं, लेकिन इसने भी गलती की हुई है। गलती इसने क्या की हुई है आपको बताता हूँ, ऑडियंस नेटवर्क वो कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसने देखो कॉपी मुझे किया, कॉपी हुआ अपना बजट जाया कर रहा है, और ये छोटी छोटी चीजें मैं बता के आपकी सेल्स रेशियो बढ़ा दूंगा। अब देखो किया, ये टेक्स मैंने अपने हाथों से लिखा है, टाइड ऑफ, मुझे अभी भी याद है, टाइड ऑफ रेजर कट्स एंड स्ट्रॉबेरी लेग्स, डोंट स्वेट अवर पेनलेस हेयर क्रिस्टल हेयर मिल्स फ्रीकिंग इन द मार्केट। तो ये मैंने खुद लिखा हुआ अपने हाथों से, इजी टू यूज, ये फ्ला फ्ला। तो मैंने इसके अंदर जो सारी ये डिस्क्रिप्शन है ना, ये मैंने अपने हाथों से ऐड किया है, ये भी प्रॉपर नहीं, इसने व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, और ये सबसे इसने ये आई थिंक इसकी वेबसाइट नहीं है, इसे सिर्फ ये कॉपी किया हुआ है और ये व्हाट्सएप पे सेल कर रहा है, व्हाट्सएप मार्केटिंग कर रहा है। इस पर इतनी सेल्स नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, 3 से 4 आ जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन वो अपना धंधा चला रहा है, चलाने दो, अल्लाह ताला उसे और कामयाबी दे। तो अब देखो ये एक स्टोर भी से बेच रहा है, आयुष भी से बेच रहा है, ऑनलाइन बाजार भी से बेच रहा है, ऑनलाइन बाजार भी से बेच रहा है। अच्छा जी, शाहीन, ये क्या नाम है इसका, shaheenshop.com भी से बेच रहा है, 2 एड्स लगाई हुई है, 3 एड्स लगाई है, 4, 5। देखो एक स्टोर ने, एक shaheenshop.com, 1, 2, 3, 4, 5। अब आओ इसका पैसा निकाल दें, कितना बना रहा है, 5 एड लगाई है। ये मैं पैसा क्यों बताता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली बता दिया, ये इसको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट भी इससे मिल जाएगी ना, अगर इसकी सोर्सिंग 700 की मिल जाएगी, पहले इसकी सेलिंग प्राइस से मुझे पता लग जाएगा, इसकी सेलिंग प्राइस से मुझे आइडिया हो जाएगा ये कितने की सेल कर रहा है। शॉप नाम पे क्लिक करके ना इसका देख लेते हैं कितने की बेच रहा है। अच्छा जी, माशाल्लाह, अभी आपको ये कल प्रोडक्ट नजर नहीं आएगी, ठीक है। इसको डीएमसी का क्लेम आया हुआ है, आपको मैं बताता हूँ डीएमसी का क्लेम क्या होता है सारा कुछ, ठीक है। देखो अब इसने 5 एड रन किए, लेकिन जनाब को ये नहीं पता, लेकिन इसका स्टोर ओपन कर लेते हैं, स्टोर इसको ओपन करते हैं, स्टोर ओपन करके देख लेते हैं कि इसको कितना प्रॉफिट और कितना नुकसान हो रहा है। ये हम ओहो, इसका स्टोर ओपन कर लेते हैं, पेशावर का लड़का, और मुझे पता नहीं है वैसे ये कौन है, लेकिन वैसे मैं आपको कह रहा हूँ शहीन, ये और क्या बेच रहा है, ठीक है। ये देखो ये भी बेच, अब मैं देखता हूँ ये कितनी एड्स ला रहा है, मैं आप लोगों को ये सारी चीजें समझाता हूँ, ठीक है। अब बल्कि हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आपको कहा, मैंने अभी तक आपको बताया, मैंने कहा आपने क्या करना है, आपने मेटा पे आना है, फेसबुक एड लाइब्रेरी पे आना है, और आपने आने के बाद सिर्फ ये सर्च करना है, एक प्रोडक्ट का नाम सर्च कर लिया, और वहां से आपको नजर आ जाएगा कि कितने स्टोर्स पाकिस्तान के अंदर ये चीज बेच रहे हैं। अब 23 करोड़ की वादी को आपको लगता है ये फुलफिल कर पा रहे होंगे सब कुछ, 23 करोड़ की वादी ये फुलफिल कर पा रहे, तभी भी नहीं, यहाँ 3 से 4 हजार सेलर आके भी बैठ जाए, ये तब भी 23 करोड़ की वादी की फुलफिल नहीं कर पाते, ये तब भी प्रोडक्ट बिक्री इतने कम स्टोर है पाकिस्तान। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने करना ये है कि यहाँ इसी के अंदर ही मेरे स्टोर के 2 एड उसको जज कर लेना, ठीक है। तो करना क्या है, आप लोगों ने इस जगह पे आने के बाद आप लोगों ने करना ये है, होगी ना वो प्रोडक्ट आपने बेचना शुरू कर देना, और वो बिकेगी 100% एंड के साथ उस आईडी के। अब आपने देखा कि यार ये स्टोर भी से बेच रहा है, ये भी ऑनलाइन बाजार भी से
आप लोगों को आवाज आ रही है? मुझे एक दफा दोबारा बताओ, एक मिनट मुझे आप लोग बताओ कि आप लोगों को आवाज आ रही है? मुझे आवाज का बताओ। जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। अच्छा अच्छा वेट कर लो एक मिनट दो। अच्छा अब हम लोग थे कि वहां तक के हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को मैंने बता दिया कि जो एड जिसके ऊपर 7 से ज्यादा एड चल रही हो, ठीक है, वो आपने हंट कर लेनी है। अब हमारा टॉपिक क्या है? हंटिंग फ्रॉम स्टोर्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है? सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं है। एड प्रोडक्ट सर्च की, चेक किया कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, 7 से ज्यादा है, ठीक है, हमने हमारे लिए प्रोडक्ट चाहिए। कौन कौन सा स्टोर बेच रहा है? हमारा टॉपिक है हंटिंग फ्रॉम स्टोर्स। आप लोगों ने एक सिंपल क्या करना है, यहाँ आके देख लेना कि इन स्टोर सबके ऊपर ना, यहाँ शॉप ना, इसके ऊपर भी शॉप ना कर लो, फिर दोबारा आओ, इसको भी शॉप ना कर लो, फिर दोबारा आओ, ये सारे सेम है, मतलब ये स्टोर सेम है तो ये डिफरेंट है, इसको भी गेट ऑफर को शॉप ना कर लो, फिर दोबारा आओ, उसके बाद ये शॉप ना कर लो, फिर दोबारा आओ, फिर ये सेंड मैसेज है, ये शॉप ना कर लो, फिर इसके ऊपर आ जाओ, और एक और कितने रह गए, और इसको शॉप ना कर लो। अब ये आप लोगों के पास आगे सारे स्टोर्स आगे, ठीक है। अब आपने इन स्टोर्स का ना ऑफिशियल पेज खोल लेना है, ये ऑफिशियल पेज है इसका, यहाँ से ये ऑफिशियल eastteak.pk ऑफिशियल पेज खोल रहे हैं। फिर इसके बाद दोबारा आपके पास ये इसका 404 फोन नहीं आ रहा, फिर shaheenshop.pk ये खोल लेना, ठीक है। अब आप देखना शुरू करो कि यार ये स्टोर्स कौन कौन सी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आपने पहले तीन मैसेज मैंने बताया है, तीन रूल है। स्टेप नंबर वन, आपने प्रोडक्ट सर्च की। स्टेप नंबर टू, आपने प्रोडक्ट सर्च करने के बाद देखा उसकी एड कितनी चल रही है, 7 से ज्यादा है प्रोडक्ट क्राइटेरिया में। स्टेप नंबर थ्री, सबको शॉप ना करते रहो, नया टैब पे खोलते रहो। स्टेप नंबर फोर क्या करना है कि सिंपली आपके सामने स्टोर्स खुल जाएंगे, आप लोगों का सिंपल काम है, आप लोग इन स्टोर्स की जान पड़ताल शुरू कर दो कि भाई अब मुझे ये देखना है ये स्टोर कितने कमा रहे हैं, ये जो स्टोर्स हैं ये कितना कमा रहे हैं, बस ये मुझे यहाँ से ये देखना है, ठीक है, ये कौन कौन सी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। फिर जो प्रोडक्ट ये बेच रहे हैं ना और जिसकी एड इन्होंने लगाई हुई है, समझो कि वो प्रोडक्ट इससे ये बंदे उस प्रोडक्ट से कमा रहे हैं और हमने भी वही प्रोडक्ट सेल करके कमाना है, ये हंटिंग है, ठीक है। सिंपल सी गेम है ये हंटिंग। मैंने आपको तीन तरीके बताए, मैंने बताया कि सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर लो, दराज से उठा लो, कोई जो दिल करता है, फिर देखो उसके रिजल्ट 7 से ज्यादा ना तो समझो वो प्रोडक्ट मेरे क्राइटेरिया में बढ़ जाए। दूसरा ये बात होगी। तीसरा मैंने बताया कि स्टोर्स ओपन करना शुरू कर दो, शॉप नाउ पे क्लिक करो तो ये स्टोर आना शुरू हो जाएंगे, इनके स्टोर ओपन करना शुरू इनका। जैसे ये डिमोन्ट्रेट स्टोर है तो मैं देखता हूँ कौन कौन सी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब ये प्रोडक्ट देखो कौन कौन सी बेच रहे हैं, यहाँ से ये देखना शुरू कर दो कौन सी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। देखो ये प्रोडक्ट कौन कौन सी प्रोडक्ट बेच रहे हैं ये स्टोर, ठीक है। अब ये इतनी ज्यादा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको देखो कि ये कितना कमा रहा है। इसके यहाँ से इसको कॉपी करो इसका नाम, इन नाम कॉपी करने के बाद आप लोगों ने एड लाइब्रेरी, पहले तो आपने प्रोडक्ट देखी जिसकी, जिस प्रोडक्ट के अंदर, आप लोगों को मैं बताता हूँ, जिस प्रोडक्ट की जो क्या उसको कहते हैं एड 7 से ज्यादा चल रही है ना, आपने उसको हंट कर देना है, ठीक है, पहली तो वो हंट होगी। उसके बाद देखो कि और प्रोडक्ट कैसे मिलनी है, आप स्टोर्स हंट करना शुरू कर दो, इनको देखो कि ये कौन कौन सी एड्स चला रहे हैं। एड लाइब्रेरी पे आओ और इस प्रोडक्ट का, इस स्टोर का नाम, जो स्टोर का नाम है ना, ये स्टोर का नाम, इस स्टोर का नाम कॉपी करो और स्टोर का नाम कॉपी करने के बाद इधर पेस्ट करके ना उसको एंटर कर दो। जैसे ही आप इसको एंटर करोगे तो ये आपको फेसबुक एड लाइब्रेरी टूल बता देगा इस स्टोर की 41 एड्स चल रही है और ये कौन कौन सी। अगर ये बंदा कोई प्रोडक्ट की एड लगाई है तो ये डेफिनेटली सी बात है इससे करोड़ों रुपया कम से कम कमा, मतलब करोड़ों, मतलब एक कहावत बता रहा हूँ, मतलब लाखों तो इजिली कमा रहा ना इससे, एक एक दो दो एड से कितना कमा रहा होगा सोचो, जिसने इतनी 41 एड्स लगाई, ठीक है। सो ये इस बंदे ने जितनी भी एड लगाई हुई है इनसे पैसे कमा रहा, ठीक है। फिर आप एक और स्टोर देखो उसके ऊपर भी, अब इस ये जैसे eastteak.pk है, अब इसको कॉपी कर लो नाम, ठीक है, इसका नाम कॉपी करने के बाद एड लाइब्रेरी में आके पेस्ट करो तो आपको पता लग जाएगा यार ये स्टोर कितना कमा रहा है। इससे क्या होगा, अब देखो इसने दो स्टोर, इतनी दो प्रोडक्ट लगाई हुई है, ठीक है, इसने ये लेडीज की प्रोडक्ट लगाई है तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ eastteak.pk .pk, ठीक है, इसका नाम यहाँ से भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसका नाम ऐसे लिखता हूँ। अभी मुझे बताएगा कि 11 एड्स, देखो eastteak.pk 11 एड्स चल रही है और ये फीमेल कैटेगरी की एड्स चला रहा है, देखो
मतलब ये इसने क्रिस्टल हिल में होगी एक एड दूसरी एड, मतलब अगर इसने ये दो एड्स लाई हुई है तो डेफिनेटली दैट पर्सन इज अर्निंग मच मच मोर मनी फ्रॉम दीज टू प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो आपके पास जो ये टूल्स हैं, ये टूल आपको हंटिंग के अंदर बहुत ऐसे कहते हैं सेलर स्कैनिंग करना, जो सेलर्स होते हैं उनको स्कैन करना। आपने कोई भी रैंडम प्रोडक्ट यहाँ लिखनी है, उसका लिखना है कि अगर वो प्रोडक्ट 700 है तो वो प्रोडक्ट भी हंट होगी। फिर आपने सेलर्स की स्कैनिंग करना शुरू कर देनी है, यहाँ जो प्रोडक्ट सेलर्स आएंगे उनको देखो वो फिर उनके जैसे ये सेलर इसको देखो ये क्या क्या बेच रहा है, कैसे पता लगे कौन से प्रोडक्ट से प्रॉफिट बना रहे हैं, कॉपी करो। कॉपी करने के बाद एड लाइब्रेरी में आके इसका नाम पेस्ट करो, आपको पता लग जाएगा। अभी देखो इसके ऊपर 41 एड्स आ रही है ना, मैं जैसे इसको थोड़ा सा इसको www ये जो आगे हैशटैग्स वगैरह आ रहे हैं तो ना इसको रिमूव कर देना आप product.tk लिखो सिंपल ऐसे। अब आपको पता लगेगा कि इसकी कितनी एड्स रन हो रही है। देखो पहले 41 था, 52 एड्स हो रही है और सारी इसी की है। देखो product.tk तो मतलब ये अच्छा खासा कमा रहा है इन एड्स से, ठीक है। देखो उसने क्रिस्टल हेयर मोर भी लगाया हुआ है, यहाँ भी क्रिस्टल हेयर मोवर लगाया हुआ है और यहाँ भी क्रिस्टल ये देखो हेयर मोवर लगाया हुआ है। और अब एक उसने ये मेंस बॉडी शेपर की अलग बड़ा लगाया, ये भी बिक रहा है, बहुत ज्यादा बिक रहा है, ये भी लगाया हुआ है, ये भी लगाया हुआ है, ये देखो ये भी मेंस बॉडी शेपर लगाया हुआ है। चार एड मेंस बॉडी शेपर की हो गई, तो उसके बाद ये क्रिस्टल हेयरमोर की एड हो गई और उसके बाद मेंस बॉडी शेपर की देखो 5 एड्स हो गई, 5वीं एड क्रिस्टल हेयरमोर की, उसके बाद मेंस बॉडी शेपर और कौन सा है, ठीक है। अब देखो एक बंद ये देखो मेंस बॉडी शेपर, ये देखो मेंस बॉडी शेपर, ठीक है। उसके बाद अब देखो अगर कोई बंदा एक एड 1000 रुपए की चला रहा है, फर्ज करो और वो एक प्रोडक्ट की 8 एड रन कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ना, दिमाग कहते हैं ना 8000 रुपए एक दिन का फेसबुक को दे रहा है। अब कैलकुलेटर करो कितना बनता है, 8 × 3 = 24, 240000 रुपए वो सिर्फ कंपेनिंग पे जाया कर रहा है, सिर्फ कंपेनिंग पे। तो वो कमा कितना रहा होगा, खुद सोचो कितना ज्यादा वो कमा रहा होगा। बात कहाँ जाती है, वो एक बंदा कोई पागल तो नहीं है ना कि वो 240000 रुपए एवी फेसबुक को पे करता रहे, ठीक है। तो डेफिनेटली सी बात है अगर एक बंदा 8 कंपेन्स रन कर रहा है, 8 कंपेन्स वो फेसबुक को पे कर रहा है, 8 कंपेन्स के पैसे, तो ऑब्वियसली बात है दैट पर्सन इज अर्निंग मच मोर एक्सट्रीम फ्रॉम दैट सिंगल प्रोडक्ट। तो दिस इज नोन एज सोल हंटिंग। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, आप लोगों की जांच पड़ताल कर रहे हो कि यार उसने प्रोडक्ट लगाई हुई है ना, मैं देखता हूँ वो इसकी कितनी एड्स रन कर रहा है, एड्स अंदाजा आपको होता है। अब एड के अंदर ये नहीं क्राइटेरिया होना चाहिए, एड 2 से 3 होनी चाहिए, 2 से 2 एड होनी चाहिए मैक्सिमम। अब एक बंदे ने एड्स ही एक प्रोडक्ट की 8 लगाई है, 3 प्रोडक्ट्स तो मैंने आपको इधर ही हंट कर दी है आपकी क्लास के अंदर ही। मुझे कोई बंदा कहे ना कि 2 लाख कमा के दो मुझे महीने का, मैं कुछ भी ना करूं, एक प्रोडक्ट मेहनत भी वही कर रहे, सब कुछ कर रहे, आपके पास स्टोर्स के नाम है, आपने देखना है यार कौन कौन सी प्रोडक्ट हंट कर, आप इस प्रोडक्ट इस स्टोर को अपनी नजर में रखो, इसका सोर्स ढूंढ लो, ये प्रोडक्ट मिलनी कहाँ से, सोर्स ढूंढ लो, आपको पता है यार ये बंदा इस प्रोडक्ट। अब मैं 3 प्रोडक्ट्स आपके सामने लाइव हंट कर देंगे, क्लास के अंदर ही हंट किए, मैंने तो नहीं कुछ यूज किया, कोई टूल तो नहीं यूज किया, मैंने तो नहीं हीलियम 10 यूज किया, जंगल स्कोर यूज किया, हालांकि मैं अमेज़न का काम भी करता हूँ, ये देखो मेरे पास हीलियम 10 भी है, ट्रस्ट पायलट भी है, जंगल स्कोर भी है, मेरे पास तो सारे टूल्स पड़े हैं लेकिन मैंने कोई यूज तो नहीं किया। और देखो सारे डीएक्टिव में पड़े हैं, इनको देख ले सारे डीएक्टिव है, कोई टूल यूज नहीं हो रहा। आप अपने पीसी पे भी करोगे ना, तो आप लोगों को ठीक है, तो आप लोग अपने पीसी पे भी ये काम करोगे ना तो आप लोगों को उधर भी यही सेम रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज स्टोर हंटिंग। ये होती है स्टोर हंटिंग, या प्रोडक्ट सर्च कर लो, 2 तरीके बताए हैं, या प्रोडक्ट का नाम बाकी यहां लिख दो, उसकी एड 7 से ज्यादा हो तो आपकी वो प्रोडक्ट कामयाब है, या स्टोर का नाम आके लिख दो, उसके स्टोर का नाम लिख दो आके, उस स्टोर के ऊपर देख लो वो कितनी प्रोडक्ट लगे, अगर डेफिनेटली वो बंदा एड रन कर रहा है तो वो बहुत अच्छा कमा रहा है, बस हंटिंग खत्म यहाँ। इसमें मुश्किल क्या है, अब मैं आप लोग के सामने प्रोडक्ट हंट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार गर्मियों के अंदर प्रोडक्ट फर्ज करो कि इधर से ढूंढते हैं यार, इसी स्टोर के अंदर से ढूंढते हैं, मुझे ये जो एक प्रोडक्ट है लुकिंग फॉर यू कैन डू एनीवेयर,
कोई प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं यार, कोई एक प्रोडक्ट। अब यार ये मेंस बॉडी शेपर ढूंढ लेते हैं, ये मेंस बॉडी शार्पर है, शेपर सॉरी शार्पर। हम इसको प्रोडक्ट का नाम कॉपी किया और प्रोडक्ट का नाम आगे एड लाइब्रेरी में सर्च कर दो, एंटर करो। अब ये हमें बताएगा कि देखो 37 एड्स रन हो रही है, मतलब ये प्रोडक्ट कामयाब है। आप इसको आज अपने स्टोर पे लगाओ, कल से सेल स्टार्ट हो जाएंगे। 7 से ज्यादा मैंने एड्स का कहा था। अब देखो इसको कितने स्टोर बेच रहे हैं, ऑनलाइन बाजार भी इसको बेच रहे हैं। आप ऑनलाइन बाजार पे जाओ और इसकी इसकी ये आपको शायद ये व्हाट्सएप पे बेच रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इनकी कोई वेबसाइट नहीं बनी हुई लेकिन ये बेच रहे हैं ये प्रोडक्ट। देखो ये भी, ये आधे लोग इसको व्हाट्सएप पे बेच रहे हैं। ये देखो ये प्रोडक्ट डॉट पी के इसको उस पर बेच रहे हैं और इसकी 37 एड्स रन है इस पर। ठीक है, तो क्या है, आपने यहाँ तो प्रोडक्ट का नाम सर्च कर लो, प्रोडक्ट पता लग जाएगी ये मेरी प्रोडक्ट कामयाब है या नहीं है। 7 से दराज से प्रोडक्ट हंट करो और इधर आके सर्च कर लो, अगर 7 से ज्यादा एड्स होंगे तो वो प्रोडक्ट कामयाब है। नहीं कर सकते, स्टोर्स के नाम लिख लो। यहाँ देखो कि यार कौन कौन सा स्टोर इसको बेच रहा है, स्टोर के नाम, स्टोर का नाम यहाँ लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यार प्रोडक्ट डॉट पीकी, देख लेता हूँ प्रोडक्ट डॉट, ओहो मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट डॉट पीकी, मैं ये स्टोर का नाम लिख देता हूँ। फिर मुझे बता देगा कि यार इस स्टोर की 76 एड रन हो रही है ओवरऑल, 76। यार देखो अभी ये तीन प्रोडक्ट, तीन चार, ये देखो ये भी प्रोडक्ट आपके सामने, एक और प्रोडक्ट मिल गई, चार एड्स लगी हैं। अब ये किस चीज की एड है इसको देख लेते हैं। ये एक फीमेल प्रोडक्ट है, ठीक है, इसका नाम है सीमलेस वेस्ट स्लिमर। ये फीमेल की कोई प्रोडक्ट होगी, ठीक है, इसको भी बेच रहा है, इसके अंदर से अच्छा खासा मार्जिन निकाल रहा होगा। सो दीज आर द, ये आपको पता लग गया कि चार एड्स रन कर रहा है, मतलब 4,000 रुपया हर रोज का पे कर रहा है फेसबुक को, महीने का 1,20,000 रुपया बनता है। तो अगर वो 1,20,000 रुपया पे कर रहा है कमा कितना ज्यादा रहा होगा। ठीक है, सो दिस इज योर टॉपिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट था जो बहुत इजी है। यहाँ प्रोडक्ट का नाम दराज से हंट करके सर्च करो, दराज से करो, वैसे जो नाम आता है डेली लाइफ में कोई एड आ रही है सामने, 7 से ज्यादा उसकी एड्स हैं तो एक्सेप्टेबल है, अगर 7 से ज्यादा नहीं है तो आप लोगों ने ये करना है काम, सिंपल ये करना है कि स्टोर्स के नाम हंट कर लो, सिंपल बेसिक सी चीज है, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये। अब आप लोगों का यहाँ हंटिंग का जो टॉपिक था ना वो खत्म हो गया। अब आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने शीट बनानी है, ठीक है, शीट कैसे बनानी है ये आप लोगों को नजर आ जाएगा, इसको मैं खत्म कर देता हूँ और डाउन सेव करता हूँ, और ये आप लोगों की प्रोडक्ट हंटिंग की शीट आ जाएगी। देखो ये एक शीट बनानी है एक्सेल की इस तरह, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि मुझे ना 10 प्रोडक्ट्स दराज से, ठीक है, 10 स्टोर्स, 20 स्टोर्स, सॉरी 10 स्टोर्स और 20 प्रोडक्ट्स, 10 स्टोर्स और 20 प्रोडक्ट्स आप लोगों ने हंट करके देनी है। अब सबसे पहले आपने लिख देना है प्रोडक्ट नेम, ठीक है, फिर आपने स्टोर नेम, फिर आपने प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है, फिर आपने प्रोडक्ट लिंक, प्रोडक्ट लिंक। ये अब ये काम कैसे करना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बाय द वे आई एम सॉरी कि मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया था, टास्क दे दिया था, मेजोरिटी बच्चों को पता ही नहीं था कि सर जी करना क्या। तो आपने प्रोडक्ट नेम सबसे पहले फर्ज करो, मैं इधर से प्रोडक्ट हंट करता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार प्रोडक्ट नेम है उसका वो जो अभी हम देख रहे थे, क्या नाम था उसका प्रोडक्ट का, एक ये भी बहुत भी सेल हो रहा है, 5-in-1 multi-wall टूल क्लीनर क्रिस्टल हेयर मोर, इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं सबसे ज्यादा, मैं तो यही बेच रहा हूँ, आप कह दो क्रिस्टल हेयर रिमूव प्रोडक्ट नेम है, रिमूव, ठीक है, स्टोर नेम आपका आ जाएगा, स्टोर नेम आ जाएगा, जैसे मेरे स्टोर का नेम फर्ज करो, ठीक है, प्रोडक्ट पी के, ठीक है, उसके बाद आपका प्रोडक्ट प्राइस कितने की है, प्रोडक्ट डॉट पी के कितने का सेल कर रहा है, ठीक है, आप इसको इसे क्लिक करो, तो आप जैसे क्लिक करोगे आपको पता लग जाएगा कि ये सॉरी ये नहीं है, 1600 रुपये का मतलब सेल कर रहा है प्रोडक्ट डॉट पी के, ठीक है। तो आप सिंपल यहाँ जाके लिख दोगे यार ये प्रोडक्ट ये जो कितने का सेल कर रहा है, यहाँ से पता लग जाएगा। पहली आइडिया लगी होगी, ठीक है,
ये 1400 रुपए 1600 रुपए का, मतलब 1400 ये हो गया, और जब आप बाय नाउ करोगे तो 200 रुपए आपको डिलीवरी पड़ती है, तो ये 1600 रुपए एक्चुअल में आपका हो गया, ठीक है। 1599 और डिलीवरी 200 मिलती है, 100 इसलिए डिस्काउंट दे रहे हैं क्योंकि हम लोग सेव कर रहे हैं, ठीक है। 1600 रुपए का ये प्रोडक्ट आपको सेल हो रही है, तो आप लिख दो कि प्रोडक्ट की जो प्राइस है दैट इज 1600, और ये पता पीछे से कितने का हमें मिल रहा है, गेस करो, 450, ठीक है। और प्रोडक्ट का लिंक कौन सा, प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको बताता हूँ, ये जो ऊपर लिंक आ रहा होगा ना, ये आपने इसको कॉपी करना है, ये लिंक को कॉपी करना है और इस लिंक को सिंपल यहाँ जाके पेस्ट कर देना, ठीक। तो ये आपकी एक प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट नेम, स्टोर नेम, प्रोडक्ट प्राइस, और ये, और अब स्टोर्स कैसे हंट करने, सिर्फ स्टोर फिर प्रोडक्ट को छोड़ देना ये वाला सेक्शन, फिर जब 10 सेक्शन 20 प्रोडक्ट हंट कर लोगे ना, फिर उसके बाद स्टोर, फिर स्टोर, यहाँ सिर्फ स्टोर नेम लिखने हैं और स्टोर के आगे स्टोर का लिंक डाल देना है कि ये स्टोर अच्छी चीजें बेच रहे हैं और इसकी एड्स कितनी चल रही है, बस ये, ठीक है। ये आप लोगों का काम है, आप लोग अभी से बैठो इस काम को करना शुरू करो, मुझे पता है मुश्किल है, लेकिन आप इस वीडियो को दोबारा देखोगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा ये कितना इजी काम है। जिन बच्चों ने रिकॉर्डिंग लगाई हुई है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो, मैं कॉल एंड कर लगाऊं। अब जिसका क्वेश्चन है ना,